आज हम बात करेंगे म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में। यह एक फंगल इन्फेक्शन है, इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। दोस्तों यह अक्सर ऐसे व्यक्तियों में हो जाया करता है जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाती है, किसी भी सीरियस डिसीज़ के कारण, किसी भी सीरियस इलनेस के कारण उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसा ही दोस्तों अभी कोरोना के केसेस में देखा जा रहा है कि जो व्यक्ति कोरोना से सफ़र कर चुका होता है, जिसने कोरोना से सफ़र कर लिया है, उनमें यह कंडीशन देखने में आ रही है, उनमें ब्लैक फंगस हो रहा है। तो दोस्तों यह क्यों होता है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि यह क्यों होता है, क्या इसके लक्षण हैं, कितने टाइप के हैं और इसमें होम्योपैथी क्या बेनिफिट कर सकती है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों म्यूकोरमाइकोसिस एक सीरियस बट रेयर फंगल डिसीज़ है, फंगल इन्फेक्शन है, जो कि जिन व्यक्तियों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है किसी भी बीमारी के बाद या फिर कोई मेडिसिन लेने के बाद उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों में यह फंगस हो जाया करता है। तो दोस्तों यह बहुत सारे मोल्ड के कारण होता है, इनके मोल्ड्स होते हैं इन्वायरमेंट में, उनको क्या बोलते हैं, म्यूकोरमाइसाइट्स बोलते हैं। तो वह क्या करते हैं, वह इन्वायरमेंट में रहते हैं और ऐसे व्यक्तियों में हो जाया करते हैं जिनको कोई सीवियर इलनेस हो, सीवियर इन्फेक्शन हो, या फिर वह ऐसी मेडिसिंस ले रहे हों जिनसे जो उनकी बॉडी की एबिलिटी है, बीमारियों से लड़ने की जो ताकत है, जो इम्यूनिटी है, वह कमज़ोर हो जाती है। तो ऐसे व्यक्तियों में म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस हो जाता है। दोस्तों यह मेनली या तो नाक में हो जाएगा, या यह मोस्टली कॉमनली लंग्स को अफेक्ट करता है या फिर साइनसेस को अफेक्ट करता है। जो एयर में, जो हवा में, वातावरण में जो म्यूकोरमाइसाइट्स होते हैं वह हम इनहेल कर लेते हैं तो यह हमारे साइनसेस में इन्फेक्शन कर देता है या फिर लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों यह स्किन को भी अफेक्ट करता है। तो स्किन में अगर कहीं पे कट लग गया हो या फिर जल गया हो या किसी भी अदर टाइप की स्किन इंजुरी हो गई और वहाँ पर यह ब्लैक फंगस जाके चिपक जाता है तो वहाँ पर भी यह इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, जिसको हम कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। तो दोस्तों यह कितने टाइप का होता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यह 4 से 5 टाइप का होता है। तो फर्स्ट इसका होता है रिनोसेरिब्रल, जो फर्स्ट टाइप होता है रिनोसेरिब्रल। तो यह नाक को अफेक्ट करता है, जो नाक के साइनसेस है उनको अफेक्ट करता है। इसके साथ में यह ब्रेन को भी अफेक्ट करता है, ब्रेन तक भी जा सकता है। दूसरा होता है पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। तो दोस्तों अगर हम इसको इनहेल कर लेंगे तो यह नाक से होता हुआ हमारे फेफड़ों तक चले जाएगा और वहाँ पर इन्फेक्शन कर देगा। तीसरा होता है दोस्तों क्यूटेनियस, यह स्किन में भी लग जाता है, कट्स, बर्न या अदर टाइप इंजुरी, तो यह स्किन में भी लग जाता है, वहाँ पर भी क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस कॉज करता है। चौथा होता है दोस्तों GIT, हमारे पेट में भी यह इन्फेक्शन जा सकता है और वहाँ पर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। तो दोस्तों इसके क्या सिम्टम है, तो जो रिनोसेरिब्रल होता है, नाक और ब्रेन में जो जाने वाला इन्फेक्शन होता है, वह क्या लक्षण देता है, उसमें एक साइडेड में चेहरे पे सूजन आ जाएगी। और दोस्तों यह आँख को भी इफेक्ट करेगा। तो इसमें क्या होता है कि अगर आँख को अफेक्ट करेगा तो आँख पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में आँख को निकालना पड़ेगा या जहाँ भी यह फैल जाता है उस जगह को निकालना पड़ता है ऑपरेशन के द्वारा। तो दोस्तों जो रिनोसेरिब्रल में वन साइडेड फेशियल स्वेलिंग आती है, चेहरे पे एक साइड स्वेलिंग आ जाती है, आंखें सूज जाती है, नाक सूज जाती है। दूसरा इसमें हेडेक होता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है क्योंकि दिमाग में भी फंगस जा सकता है। तो रिनोसेरिब्रल में हेडेक भी होता है। तो हेडेक के साथ में नेजल कंजेशन लगेगा और साइनस कंजेशन लगेगा, नाक में कंजेशन लगेगा और साइनसेस में कंजेशन लगेगा। इसके बाद में जो नाक है और अपर माउथ है, अपर माउथ के ऊपर भी बहुत सीवियर स्किन इन्फेक्शन हो जाएगा। नाक में एक साइड इन्फेक्शन हो जाएगा, नाक में सूजन आ जाएगी, हड्डी में सूजन आ जाएगी और ब्लैकनेस आ जाएगी। ऐसे ही अगर आँख में इन्फेक्शन पहुँच जाता है तो आँख में भी ब्लैकनेस आ जाती है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाता है। इसके साथ में फीवर भी रहता है। अब दोस्तों बात करते हैं पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस। जो लंग्स में अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो उसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं।
तो उसमें क्या क्या लक्षण आते हैं? तो उसमें दोस्तों फीवर रहता है, खांसी चलती है, चेस्ट में दर्द होता है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, जल्दी जल्दी सांस नहीं है, सांस लेने में तकलीफ होगी। इसके साथ अगर स्किन में अगर इन्फेक्शन पहुंच जाता है तो वहां पर छाले बनने लगते हैं, अल्सर बनने लगते हैं और जो इन्फेक्टेड एरिया रहता है वह ब्लैक हो जाता है। स्किन में अगर यह इन्फेक्शन हो जाएगा और जिस एरिया पर यह इन्फेक्शन होगा वह काला हो जाएगा। काला क्यों होता है? तो जब भी यह फंगस होता है तो यह क्या करता है, जो वहाँ की ब्लड सप्लाई है उसको रोक देता है, ब्लड सप्लाई वहाँ पर नहीं पहुँच पाती, जिसके कारण जो सेल्स होती है, जो वहाँ की स्किन होती है, तो वो मरने लग जाती है, वहाँ की सेल्स मरने लग जाती है, तो वहाँ पर काला हो जाता है, ब्लैकनेस आ जाती है। और दूसरे सिम्टम भी आते हैं जैसे कि दर्द होना, गर्माहट लगना और बहुत ज़्यादा रेडनेस और स्वेलिंग आ जाना, सूजन हो जाना। इसी प्रकार GIT में भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है, आपके पेट में हो सकता है, आपकी आंतों में हो सकता है। तो ऐसी कंडीशन में एब्डोमिनल पेन होता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, नौशिया लगता है, उल्टी आने लगती है और आपके GI रीजन में से, GI सिस्टम में से ब्लीडिंग हो सकती है, आपको उल्टी में खून की उल्टियाँ हो सकती है, लेटरिंग के रास्ते खून आ सकता है। तो इस प्रकार के सिम्टम यह देता है। तो दोस्तों हम देखते हैं अक्सर न्यूज़ चैनलों पे कि आंखें ख़राब हो जाती है, आंखें ब्लैक पड़ जाती है, सूजन आ जाती है, तो उसी प्रकार के सिम्टम इसमें आ रहे हैं। तो दोस्तों यह एक बहुत ही रेयर इन्फेक्शन है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अभी हो रहा है क्योंकि ऐसी इन्फेक्शियस डिसीज़ है और उसमें बहुत ही हैवी दवाइयों का यूज़ हो रहा है। वह दवाइयाँ भी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कह सकते कि दवाइयाँ ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है अभी की कंडीशन में दवाइयाँ, लेकिन उन दवाइयों के लेने से लोगों की इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, जिसके कारण यह म्यूकोरमाइकोसिस, यह ब्लैक फंगस हो रहा है। यह फंगल इन्फेक्शन भी उसी प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है जैसा कि हमारी स्किन पे हो जाया करता है। लेकिन दोस्तों यह जो स्किन के फंगल इन्फेक्शन, जो हमारी दांत खाज खुजली हो जाती है, उससे बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो वो फंगस जो होता है, जो स्किन पे हमारे होता है, दांत खाज खुजली होती है, वह हमारे इंटरनल ऑर्गन को अफेक्ट नहीं करता है, लेकिन जो यह ब्लैक फंगस है, म्यूकोरमाइकोसिस है, यह हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जैसे आँख हुई, नाक हुई, हमारा ब्रेन हुआ, हमारे लंग्स हुए और हमारे पेट के जो ऑर्गन हुए, आते हुई, स्टमक हुआ, इनको अफेक्ट कर सकता है। जो मेन, जो ऊपर वाला स्किन का इन्फेक्शन होता है, दांत खाज खुजली, वह इन इंटरनल ऑर्गन्स को अफेक्ट नहीं करता है। तो दोस्तों जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, वह ज़्यादा सीवियर है, मोर सीवियर है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट सही समय पर करवाना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें अगर आप में ऐसे लक्षण दिखते हैं कि एक साइड चेहरे पे सूजन आ रही है, रेडनेस आ रही है, आँख में सूजन आ रही है, रेडनेस आ रही है, उसके बाद में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में हमें डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए और सही समय पर इस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि होम्योपैथी इसमें क्या रोल अदा करती है। तो दोस्तों अभी तक तो मेरे पास कोई भी ऐसा केस नहीं आया है और ना ही ऐसा कुछ शोध हुआ है, ना ही ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि ब्लैक फंगस पे कौन सी मेडिसिन काम करे। फिर भी उसके लक्षणों को और मेडिसिन के लक्षणों को मिला के कुछ दवाइयाँ मैंने सिलेक्ट करी है, उनके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी दवाइयाँ ले सकते हैं उस जो बीमारी है उसके सिम्टम को मिलाकर और दवाई के सिम्टम को मिलाकर। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है दोस्तों वह है आर्सेनिक। तो दोस्तों आर्सेनिक में भी स्किन इन्फेक्शन है, स्किन इन्फेक्शन के लिए आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है, उसमें भी रेडनेस आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके बाद में ब्लैकनेस आ जाती है, जो टिश्यूज मर जाते हैं, जो सेल्स मर जाती है ब्लड सप्लाई ना पहुंचने का कारण, फंगस के कारण, तो उसमें भी ब्लैकनेस आ जाती है, गर्माहट जो लगती है, जलन जो होती है, वह जलन भी आर्सेनिक में है। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्सेनिक ले सकते हैं। अगर हमें इन्फेक्शन हुआ है म्यूकोरमाइकोसिस का, रेडनेस हो गई हो, फिर ब्लैकनेस आ गई और जलन हो रही हो उसमें, तो ऐसी कंडीशन में आर्सेनिक बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों आर्सेनिक को हम 30 पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम यूज़ करते हैं, कर सकते हैं अदर ट्रीटमेंट के साथ में। इसका ट्रीटमेंट भी बहुत ज़रूरी है, आप इन दवाइयों पर डिपेंड ना रहें। और अगर ऐसी सिचुएशन डेवलप होती है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर को दिखाएं, घर पर एक्सपेरिमेंट ना करें। दूसरी मेडिसिन आती है दोस्तों थूजा। थूजा भी फंगल इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। थूजा में भी ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं
कि वह फंगल इन्फेक्शन को ठीक करती है, इम्यूनिटी को मजबूत करती है। इसके साथ में दोस्तों एक कॉम्बिनेशन में बताने जा रहा हूँ, मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है, उसमें आपको दो मदर टिंचर लेने हैं। सबसे पहले तो आपको अजाडिरेक्टा मदर टिंचर लेना है, दूसरा उसमें इचिनेसिया मदर टिंचर लेना है। इन दोनों मदर टिंचर को बराबर मात्रा में मिला लेना है और उसको 20-20 बूंद आधे कप पानी में डालकर सुबह दोपहर शाम लेना है। दोस्तों एजाडिरेक्टा मदर टिंचर नीम से बना हुआ है, नीम बहुत ही अच्छी एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखती है, इसलिए नीम का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एजाडिरेक्टा इंडिका का मदर टिंचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार जो इचिनेसिया है वह भी दोस्तों ब्लड प्यूरिफायर का काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है, तो हम उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों मेडिसिन्स को बराबर मात्रा में मिला लेना है और सुबह दोपहर शाम 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर हमें लेना है अदर ट्रीटमेंट के साथ में। डॉक्टर को जरूर दिखाना है, घर पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। तो दोस्तों ये म्यूकोरमाइकोसिस को ठीक करने में यह मेडिसिन थोड़ी सी हेल्प कर सकती है, जल्दी ठीक हो सकता है अगर हम लक्षणों का मिलान करके यह दवाइयां लेते हैं। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन में हम इन दवाइयों का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन से बहुत अच्छे इनके रिजल्ट से। और दोस्तों मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड नॉलेज रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, होम्योपैथिक मेडिसिन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो नीचे रेड कलर की का बटन दिया है सब्सक्राइब का राइट साइड में उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। उसके बाजू में बेल आइकन का बटन दिया गया है, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुँच सके। और दोस्तों अगर मेरी दी गई हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।